सबके श्री माँ शारदा स्वामी चेतनानंद राजेन बाद में स्वामी विद्यानंद कोलपाड़ा आश्रम के पूर्णकालिक रसोईया थे और आश्रम के दूसरे कई प्रकार के काम भी करते थे। वे बहुत सरल सादगी पसंद थे तथा माँ के प्रति उनकी बड़ी भक्ति थी। एक बार उनका महंत महाराज से ठीक सामंजस्य नहीं हो रहा था, साथ ही अत्यधिक काम के कारण उनका स्वास्थ्य गिर रहा था और आश्रम में पौष्टिक भोजन भी उपलब्ध नहीं था। जयराम बाटी आकर उन्होंने माँ को अपनी समस्या बताई। उन्होंने वाराणसी जाने की अनुमति मांगी। माँ ने उसकी जगह उन्हें जयराम बाटी में अपने पास रहने को कहा। राजेन सहमत हो गए और ब्रह्मचारी गोपेश के साथ माँ की गृहस्थी का कार्य देखने लगे। माँ शारदा हमेशा पूजा के समय ठाकुर को एक गिलास मिश्री का शरबत अर्पित करती थी और फिर उसे प्रसाद के रूप में पी लेती थी। इसी प्रकार उन्होंने अपना उपवास तोड़कर अन्य प्रसाद साधुओं और भक्तों को बांट दिया। अब प्रतिदिन पूजा के बाद माँ राजेन को अपने कमरे में बुलाती थी। माँ मिश्री का शरबत थोड़ा सा चखकर राजेन को पीने के लिए दे देती थी। एक दिन माँ ने ब्रह्मचारी गोपेश को व्यक्तिगत रूप से कहा, बेटा आश्रम में आग पर खाना बनाते बनाते राजेन का सिर बहुत अधिक गर्म हो गया है। खराब स्वास्थ्य के होते हुए भी उसने कठिन परिश्रम किया है। यही नहीं, उस समय कोलपाड़ा में उसे सामंजस्य स्थापित करने की कठिनाई हो रही थी। वह वाराणसी जाना चाहता था। मैंने उसे अपने साथ रहने को कहा जिससे उसके मस्तिष्क को विश्राम मिल सके। बाद में जब उसका स्वास्थ्य सुधर जाएगा तब वह कोलपाड़ा आश्रम लौट जाएगा और पुनः वहां अपना काम करेगा। प्रतिदिन प्रातः उस समय से शरबत प्रसाद को मैं उसको भी देती हूँ जिससे उसका मस्तिष्क शांत हो जाए। अपने सन्यासी शिष्य के प्रति माँ के स्नेह को देखकर ब्रह्मचारी गोपेश का हृदय भर आया। कुछ महीने बाद राजेन का स्वास्थ्य सुधर गया और वे कोलपाड़ा लौट गए। माँ शारदा के देह त्याग के पश्चात जयराम बाटी में माँ शारदा का मंदिर बनाने के लिए उन्होंने अत्यधिक परिश्रम किया। वे मंदिर के प्रथम देखभाल करने वाले थे, लेकिन उसकी स्थापना के एक वर्ष बाद उन्होंने अपना देह त्याग किया। जनवरी 1917 में किसी समय मेमन सिंह अब बांग्लादेश में, वहां से माँ शारदा के चार शिष्य उनके दर्शन के लिए जयराम बाटी आए। जैसा कि माँ कुछ समय से अस्वस्थ थी, उन्होंने कुछ दिन ही रुकने की मंशा व्यक्त की। माँ उनको देखकर बड़ी प्रसन्न थी। जयराम बाटी में रहते हुए वे कामारपुकुर गए और लौटते समय वे आंधी तूफान में फंस गए। उन लोगों में जो प्रमुख थे उन्हें मलेरिया का बुखार आने लगा। माँ बहुत उद्विग्न थी। अतिथि निवास छोटा था और कई लोग वहाँ रुके हुए थे, साथ ही रोगी के लिए शौचालय की सुविधा नहीं थी। माँ ने बीमार भक्त के लिए विशेष भोजन और कोनैन के दवा की व्यवस्था की। जब 3 दिन के बाद भी बुखार कम नहीं हुआ, स्थिति को देखते हुए भक्तों ने बीमार भक्त को कोलपाड़ा आश्रम में ले जाने का निर्णय लिया, जहां पर्याप्त कमरा और पास में एक शासकीय चिकित्सालय भी था। माँ शांत थी। स्वामी विद्यानंद ने किराए पर पालकी किया और दोपहर बाद रोगी और उसके साथियों को कोलपाड़ा ले गए। माँ ने दुर्गा दुर्गा जपते हुए उन लोगों को विदा किया। थकी हुई माँ भारी मन से बिस्तर पर लेट गई। उनका सेवक ब्रह्मचारी गोपेश बरामदे में बैठ गया जिसे कोई उनके विश्राम में बाधा उपस्थित ना करे। अचानक घने काले मेघों ने आकाश को आच्छादित कर लिया और चारों ओर घना अंधेरा छा गया।
बिजली और गड़गड़ाहट के साथ तेज आंधी चलने लगी। माँ शारदा जाग गईं और जोरों से मेरे बच्चों का क्या होगा चिल्लाते हुए कमरे से बाहर आई। उनका घूंघट गिर गया, बाल बिखरे हुए थे, उन्हें अपने आसपास के जगत का कोई बोध नहीं था। वे बरामदे के किनारे पर आ गई। ऊपर आकाश की ओर देखते हुए उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे ठाकुर, मेरे बच्चों की रक्षा करो, हर प्रकार से मेरे बच्चों की सुरक्षा करो भगवान। उनके अश्रुपूरित नेत्रों को देखकर ब्रह्मचारी गोपेश स्तब्ध हो गए। उन्होंने सांत्वना देते हुए माँ से कहा, माँ आप चिंता मत करिए, वे लोग इस समय तक देशा पहुँच गए हैं। स्वामी विद्यानंद बुद्धिमान है, वे तथा तीन अन्य भक्त उसके साथ हैं, साथ ही पालकी लेकर जाने वाले आज्ञाकारी और विश्वसनीय हैं। ब्रह्मचारी गोपेश माँ को लेकर उनके कमरे में गए। माँ जब कमरे के भीतर गई, ठाकुर के चित्र के सामने खड़े होकर बार बार रोने और प्रार्थना करने लगी, हे ठाकुर, कृपा करके मुझ पर दया कीजिए और मेरे बच्चों की रक्षा कीजिए। अपने भक्तों पर माँ का स्नेह देखकर ब्रह्मचारी गोपेश अवाक और अभिभूत हो गए। धीरे धीरे बादल कुछ साफ हुआ, अर्ध रात्रि को वर्षा रुक गई। माँ रात भर बेचैन थी। सुबह स्वामी विद्यानंद लौटे और माँ को बताया कि आंधी तूफान के समय वे लोग देशरा के एक मकान में रुक गए थे। वर्षा जब रुक गई, वे लोग लालटेन लेकर क्वालपाड़ा पहुंच गए। रात में वहां उन लोगों ने भोजन किया और वहां रात्रि में अच्छी तरह विश्राम किया। बीमार भक्त तथा अन्य लोग कुशल पूर्वक हैं। यह सुनकर माँ शारदा को बहुत अच्छा लगा। मैमन सिंह के शौर्येन्द्रनाथ एक संभ्रांत परिवार से संबंधित थे और कुछ बिहार राज परिवार में कर्मचारी थे। वे माँ के शिष्य थे और उनके परिवार के कई सदस्यों ने माँ से दीक्षा ली थी। बचपन से ही वे सुबह उठने की चाय पीने के अभ्यस्त थे। दीक्षा के बाद उन्होंने माँ शारदा से कहा, माँ सुबह उठते ही मुझे चाय पीने की आदत है, चाय पिए बिना सुबह उनके लिए साधना करना संभव नहीं होगा, मुझे क्या करना होगा। माँ ने मुस्कुराकर कहा, बेटा यह कोई समस्या नहीं है, जप और ध्यान करने के पहले तुम चाय या कोई अन्य चीज पी सकते हो। जयराम बाटी में माँ शारदा भक्तों को जलपान में फल, मिठाई और मुरमुरा देती थी। माँ स्वयं हरी मिर्च के साथ मुरमुरा खाती थी और एक गिलास मिश्री का शरबत पीती थी। एक बार जब शौर्येन्द्र माँ से मिलने आए थे, माँ ने उन्हें जलपान में मुरमुरा और गुड़ दिया। शौर्येन्द्र ने उनसे कहा, माँ आपने मुझे यह क्या दिया है, मैं इस प्रकार की चीजें नहीं खाता। माँ ने उससे कहा, बेटा यहाँ इसी प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध हैं, खा लो, इससे तुम्हें किसी प्रकार की हानि नहीं होगी। जब मैं कलकत्ता जाऊंगी तब मैं तुम्हें अच्छी वस्तुएं खिलाऊंगी। क्वालपाड़ा में सन्यासी 10 बजे तक खाली पेट मंदिर में पूजा करते थे। एक दिन माँ ने विद्यानंद से कहा, तुम लोग बिना कुछ खाए पूजा करते हो, यह मन को अशांत कर देता है। पेट यदि शांत हो तो मन शांत रहता है। अपना जलपान करो और उसके पश्चात पूजा करो। उनका परामर्श बिल्कुल व्यवहारिक था। जयराम बाटी में सामान्यतः लोग नंगे पांव चलते थे। साथ ही कलकत्ता से आने वाले माँ शारदा के भक्तगण भी, जो इस भूमि को पवित्र मानते थे, नंगे पांव चलते थे। कभी कभी गांव के बच्चे माँ शारदा के आंगन में खेल खेल में ईंट के टूटे हुए टुकड़ों और मिट्टी के टूटे हुए बर्तनों के टुकड़ों को फैला देते थे। स्वामी शारदेशानंद ने इस मर्मस्पर्शी कहानी का वर्णन इस प्रकार किया है, मैं इस छोटी घटना का स्मरण कर रहा हूँ। माँ जयराम बाटी में थी, उस समय उनकी आयु 60 वर्ष से अधिक थी।
और स्वास्थ्य ठीक नहीं था। रात बहुत हो चुकी थी, लगभग 1:30 बजे थे। मेरी नींद खुल गई और अपने कमरे से मैंने देखा आंगन में प्रकाश है। उत्सुकतावश मैं बाहर आया और देखा कि लालटेन के प्रकाश की सहायता से कोई कुछ कर रहा है। मैं नीचे गया और देखा कि माँ खुरपी कुदाली से खुदाई कर रही है और मिट्टी के बर्तन के टूटे हुए टुकड़ों और ईंट के टुकड़ों को बिन करके टोकरी में इकट्ठा कर रही है। मैंने हतप्रभ होकर पूछा, माँ आप क्या कर रही हैं? असहज भाव से उन्होंने उत्तर दिया, मैं इन टूटे हुए टुकड़ों को इकट्ठा करके इस आंगन को साफ कर रही हूँ। आप ऐसा क्यों कर रही हैं? बेटा धीरे से बोलो, अन्यथा दूसरे लोगों की नींद टूट जाएगी। फिर माँ ने धीरे से कहा, देखो बेटा, कुछ बच्चे कलकत्ता से आए हैं। वे शहर में रहते हैं और नंगे पैर चलने की उनकी आदत नहीं है। यहाँ लोग नंगे पैर चलते हैं। आज किसी का पैर कट गया था, इसलिए मैं इन टूटे हुए टुकड़ों को साफ कर रही हूँ, जिससे उन्हें चोट नहीं पहुँचेगी। मैं बोला, माँ यह काम हम लोग कर सकते हैं, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? और जाग रही हैं? हाँ बेटा, मैं जानती हूँ तुम इसे कर सकते हो, लेकिन तुम लोग गृहस्थी के इतने कार्य करते हो और थक जाते हो, अतः तुम्हें निद्रा की आवश्यकता है। मेरे पास कोई काम नहीं है, इसलिए तुम जब सोने के लिए गए, मैं आंगन साफ करने के लिए आ गई। मैंने कहा, माँ ठीक है, आप मुझे खुरपी दे दीजिए, आंगन की सफाई मैं करूँगा, आप अपने कमरे में जाकर सो जाइए। माँ सौम्य स्वर में बोली, बेटा इस कार्य को मैं करूँगी, क्योंकि मैं माँ हूँ। एक माँ अपने बच्चों के लिए कई प्रकार के काम करती हैं, मैं तुम सब लोगों के लिए बहुत कम करती हूँ। बेटा जाओ और सो जाओ, मैंने लगभग पूरा काम कर लिया है, केवल थोड़ा बाकी है। मैं अधिक कुछ नहीं बोल सका, मेरी आंखों से आंसुओं के धारा बहने लगी। मैंने सोचा, यही कारण है कि आप जगन माता हैं। निद्रा का त्याग करके न केवल वे आंगन को साफ कर रही हैं, माँ अपने बच्चों के मार्ग पर आने वाली बाधाओं को भी दूर कर रही हैं, और ऐसा वे करती रहेंगी। चांडाल और अधम की माता। 19वीं शताब्दी तथा 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में प्रचलित भारतीय जाति व्यवस्था को समझना पश्चिम के व्यक्ति अथवा आधुनिक भारतीय के लिए कठिन है। उदाहरण के लिए, ब्राह्मण उच्च जाति का व्यक्ति उस भोजन को जिसे अन्य 3 वर्ण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में किसी एक या गैर हिंदू द्वारा स्पर्श किया गया हो उसे खा नहीं सकता था या जल को पी नहीं सकता था। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में जाति के नियमों को लेकर समाज अत्यंत कठोर था। जो भी जाति के नियमों को तोड़ता था उसे जाति से बहिष्कृत माना जाता था और उसे तथा उसके परिवार का बहिष्कार कर दिया जाता था। कुछ धनी एवं प्रतिष्ठित परिवार भी इन कठोर सामाजिक कुरीतियों के शिकार थे। उदाहरण के लिए, दक्षिणेश्वर काली मंदिर की प्रतिष्ठापक रानी राशमणि तथा कथित निम्न जाति से आती थी और उनसे कहा गया था कि वे माँ काली को पके हुए अन्न का भोग नहीं लगावे। सौभाग्यवश श्री रामकृष्ण के भाई रामकुमार ने इस समस्या का हल निकाल दिया था। मुसलमानों से उनके निकट संबंधों के कारण उच्च कुलीन ब्राह्मणों द्वारा रविंद्रनाथ टैगोर के परिवार को भी हेय की दृष्टि से देखा जाता था। माँ शारदा ने ठाकुर के उपदेश का अनुसरण किया कि भक्तों की कोई जाति नहीं होती, ईश्वर की संतानों के बीच जाति भेद कैसे हो सकती है। माँ अपने आदर्श से विचलित नहीं हुई, उनके शिष्य और भक्त सभी जातियों से थे। माँ ने कलकत्ता और साथ ही साथ जयराम बाटी में भी उनकी सेवा की।
एक बार माँ ने छोटी बुनकर जाति युगी के भक्त को दीक्षा दी दी थी। वह जयराम बाटी में अन्य भक्तों के साथ खुलकर मिलने में हिचकता था। माँ शारदा ने उसे यह कहते हुए आश्वस्त किया, बेटा तुम असहज अनुभव क्यों करते हो कि तुम युगी हो? तुम ठाकुर की मंडली से हो, तुम उनके परिवार से हो। जब माँ ने उसे दीक्षा दी थी तब उन्होंने उसकी जाति के बारे में उससे नहीं पूछा था, उन्होंने अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया था। इसलिए उन्हें ऐसा लगा कि गांव में कोई उससे उसकी सामाजिक स्थिति के बारे में प्रश्न नहीं करेगा, न ही यह उसके लिए आवश्यक था कि वह इस संबंध में किसी अन्य से चर्चा करे। एक बार दुर्गा पूजा के अवसर पर बहुत सारे भक्त माँ के चरणों पर पुष्प अर्पित कर रहे थे। तेजपुर का एक व्यक्ति बाहर खड़ा हुआ था। वह भीतर आकर माँ के चरणों में पुष्प अर्पित करने से डर रहा था, क्योंकि वह एक बागची था जो तथा कथित एक छोटी जाति से है। लेकिन माँ शारदा ने स्वयं उसे कमरे के भीतर बुलाकर पुष्प अर्पित करने को कहा, जो उसने किया। वह आनंद से परिपूर्ण होकर अपने गांव चला गया। ये घटनाएं आजकल भले ही सामान्य प्रतीत हों, परंतु तत्कालीन भारतीय समाज में जाति एक महत्वपूर्ण चर्चा का विषय था। एक बार सपेरों की एक टोली जयराम बाटी आई और उन लोगों ने सड़कों पर अपनी डुगडुगी बजाना प्रारंभ किया। जब वे लोग माँ के घर के पास आए तो उन्होंने सर्पों को देखने की उत्सुकता प्रकट की। उन्होंने अपने आंगन में उन्हें बुलाया और खेल दिखाने को कहा। माँ ने उन्हें पैसे देने की बात कही। सपेरों की डुगडुगी की आवाज़ सुनकर गांव के बहुत सारे लोग और बच्चे माँ के घर में एकत्रित हो गए। सपेरों ने सांपों की पिटारी खोल दी और जब उन लोगों ने अपनी बीन बजाई, सर्पों ने अपनी गर्दन उठा ली और लय के साथ अपना सिर हिलाने लगे। जब सपेरों का कार्यक्रम समाप्त हो गया, माँ शारदा ने उन लोगों को 2 रुपए और 1 कपड़ा दिया। माँ ने उन लोगों को गुड़ और मुरमुरा खिलाया। उनके मुखिया ने माँ की चरण धूली ली और माँ ने उसके सिर पर हाथ रख कर उसे आशीर्वाद दिया। उनकी एक भाभी ने कहा, इतना पर्याप्त था, आपने उन्हें पैसा, कपड़ा और जलपान कराया, आपने उस सपेरे को स्पर्श क्यों किया? दिन रात वे लोग सर्पों को छूते रहते हैं, उनके हाथ में जहर अवश्य होता है, आपको उसे स्पर्श नहीं करना चाहिए था। माँ शारदा ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, मैं क्या कर सकती हूँ, उस व्यक्ति ने मेरे पैरों को स्पर्श करके मुझे प्रणाम किया, मैं उसको कैसे मना करती? यदि कोई व्यक्ति मुझे प्रणाम करता है तो क्या मैं उसके सिर को स्पर्श करके उसे आशीर्वाद नहीं दूंगी? यह अगस्त 1917 की घटना है। माँ शारदा राजेंद्र बंदोपाध्याय की विधवा को देखने गई। उसका एक छोटा बच्चा था और कोई अन्य उनको देखने वाला नहीं था। उसके कान में एक फोड़ा हो गया था और वह संक्रमित हो गया था। गांव में कीड़े हो गए थे और उससे दुर्गंध आ रही थी, जिससे कोई उसके पास नहीं जाता था। माँ ने नीम की पत्ती से एक घोल तैयार किया तथा एक ब्रह्मचारी की सहायता से एक पिचकारी से उसके घाव को साफ किया। उसके बाद माँ ने बरदा से कहा, तुम इस असहाय रोगी को इसी समय क्वालपाड़ा आश्रम में ले जाओ और उनकी सहायता करो। यह बहुत अच्छा होगा यदि तुम इस असहाय विधवा को ले जाओ और उसकी सेवा करो। केदार स्वामी केशवानंद से परामर्श कर लो। स्त्री की देखरेख करने वाला कोई नहीं है। दुर्गंध के कारण कोई उसके पास नहीं जाता था। जब मैंने देखा उसका छोटा लड़का किस प्रकार कष्ट भोग रहा है, मैं दुखी हो गई।
बड़दा तत्काल कुआलपाड़ा के लिए रवाना हो गए और स्वामी केशवानंद को सब कुछ बता दिया। उन्होंने उस विधवा को वहां ले जाने के लिए अनुमति प्रदान कर दी। बड़दा पालकी की व्यवस्था नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने एक बैलगाड़ी किराए पर लेकर शिरोमणिपुर और सीहर होते हुए जयराम बाटी पहुंचे। माँ शारदा उन लोगों को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और उन्हें मुरमुरा और मिठाई जलपान में दिया। फिर माँ ने कहा कि उस स्त्री को शीघ्र लेकर जाओ, अन्यथा कुआलपाड़ा पहुंचने में विलंब होगा। माँ शारदा ने रोगी महिला को थोड़ा गर्म दूध पिलाया और सांत्वना दिया। साधुओं ने लकड़ी का एक पटिया लिया और उसका उपयोग पालकी जैसे करते हुए मरीज को बैलगाड़ी में बिठा दिया। 7-8 मील चलकर वे लोग संध्या में कुआलपाड़ा पहुंचे। उस महिला के दोनों कानों से पीप और खून निकल रहा था और भीषण दुर्गंध आ रही थी। डॉक्टर ने चिकित्सा की और सन्यासियों ने दिन रात उसकी सेवा की, पर दुर्भाग्यवश कुछ दिनों बाद उस स्त्री की मृत्यु हो गई। साधुओं ने उसका अंतिम संस्कार किया और जयराम बाटी जाकर माँ शारदा को यह सूचना दी। उन्होंने कहा, बेटा, तुम सब लोगों ने उसके पुत्र के समान उसकी सेवा की है। यदि वह यहाँ रहती तो वह बिना देख रेख के मर जाती, उसे कोई पानी भी नहीं देता।